ठीक है, तो टुडे इज लेक्चर 4 ऑफ एएमटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. आपका आज का लेक्चर 4. हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा है? लास्ट क्लास में क्या क्या हुआ था? कोऑर्डिनेट सिस्टम. हाँ, रेक्टेंगुलर सिस्टम में ये डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल. इसमें से एग्जांपल हमने केवल लाइन इंटीग्रल के लिए किया है, बाकी सिंपल है, वो आगे देखने को मिलेगा आपको उसमें. दीज वेर ऑल फॉर रेक्टेंगुलर सिस्टम. अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमको देखना है यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ. डिफरेंशिएशन यहां किसी एक डायमेंशन या लेंथ के कंपैरिजन में ही होता है. इसको आप लिख सकते हैं, सपोज फिजिकल क्वांटिटी जो आपका है इज ए, देन इट्स डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ एंड डिस्टेंस आप लिख सकते हैं. Can be written as dA by dL. Now, यहां पे हमारे पास जो dL है, this dL has three dimensions, x, comma, y and z axis. ये तीन डायमेंशन में पॉसिबल है डीएल में चेंज. तो आप डीएल को ब्रेक कर सकते हैं एंड इज नोन एज डेल ऑपरेटर. देयरफॉर दिस डीएल जो है ना, जिसके रेस्पेक्ट में आप चेंज को, लेंथ के रेस्पेक्ट में चेंज को आप देख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी में, कैन बी रिटेन एज, किस तरह से लिख सकते हैं इसको, या तो x के रेस्पेक्ट में चेंज होगा तो डेल अपॉन डेल x, किस डायरेक्शन में, x की डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में होगा तो डेल अपॉन डेल y, ए y एंड डेल अपॉन डेल z, ए z. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द डेल ऑपरेटर एंड इज अ वेक्टर ऑपरेशन. So, three dimension में is also known as del operator. ये with respect to length change को दिखाता है, लेकिन तीन तरह से. Next. Based on nature of
फिजिकल क्वांटिटी इट कैन बी यूज्ड इन थ्री वेज. इनको तीन तरह से यूज कर सकते हैं इस डेल ऑपरेटर को, और वही आपके तीन एप्लीकेशन बनते हैं यहां पर. फर्स्ट वन इज ग्रेडियंट, सेकेंड वन इज डाइवर्जेंस, एंड थर्ड वन इज कर्ल. एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी का नेचर है, वैसे डेल ऑपरेटर के साथ उसका तीन तरह का रिलेशन पॉसिबल है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल. अभी यही एक एक करके हमको देखना है. पहले हम लोग रेक्टेंगुलर सिस्टम में देखेंगे, उसके बाद हमारा रेक्टेंगुलर सिस्टम ओवर होगा, हम लोग दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे. फर्स्ट वन इज ग्रेडियंट. ग्रेडियंट होता क्या है? इट रिप्रेजेंट the rate of change of scalar, ये ध्यान दीजिएगा, gradient operation हमेशा scalar quantities पे होता है, vectors पे नहीं होता है. It represents the rate of change of scalar quantity and the resultant is always vector. ये operation हम लोग कहाँ पे करते हैं? Scalar quantity पे. Rate of change of scalar quantity निकालते हैं with respect to length. और जो actual जो result होता है, जो rate of change होता है, वो vector quantity होता है. Example, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई. आगे चल के हम लोग इसको रिलेशन को फिर से पढ़ेंगे स्टैटिक फील्ड में. इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर. इट इज प्योरली वेक्टर, कभी स्केलर नहीं होता है. इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल फंक्शन जो है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर. इट इज प्योरली स्केलर, ठीक. लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वेक्टर होता है. दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज ऑलवेज स्केलर. अब जब आप इसका ग्रेडियंट लेंगे ना, रेट ऑफ चेंज निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, अब क्योंकि हमारा डेल ऑपरेटर वेक्टर था इसलिए रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर आएगा. इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी जो कि वी है और एक वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन हमेशा वेक्टर होता है. क्लियर? जी सर. ठीक, अब ग्रेडियंट का एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल कैसे बनता है. द पोटेंशियल फंक्शन in a space, space के साथ a नहीं आएगा, sorry, in a space is given as v is equal to 2xyz. What will be
द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी माइनस वन कॉमा टू कॉमा माइनस थ्री. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा देखिए, v जो भी है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन ax ay az कुछ भी नहीं है. अब जो रिजल्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारा वेक्टर आएगा. सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज negative of potential gradient. Electric field is negative of potential gradient. That is, electric field E is equal to minus del of V. E will be equal to del ki value rakhiye, minus sign bahar. Del is del upon del x. Ax plus del upon del y, ay plus del upon del z. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे d भी लिख सकते हैं, लेकिन है रहेगा ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, x और y में रिलेशन नहीं होगा यहाँ पे. इस az वोल्टेज क्या है 2 x y z ये लिया है ना 2 x y z. या आप सिंपल यहाँ पहले v लिख लीजिए समझने के लिए, मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा ना तो एक क्वांटिटी सब में मल्टीप्लाई होगी. ब्रैकेट को ओपन करिए, इट विल बी माइनस, माइनस साइन बाहर. इट इज डेल अपॉन डेल एक्स या डेल वी अपॉन डेल एक्स, ए एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई, ए वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड, ए जेड. क्लियर. अब अगेन v की वैल्यू रखनी है, इट विल बी इक्वल टू माइनस साइन अगेन बाहर रखा हमने, डेल अपॉन डेल एक्स 2 एक्स वाई जेड ए एक्स प्लस, ओके लिखते हैं, डेल अपॉन डेल वाई 2xyz ay plus del upon del z 2xyz az. फिर माइनस साइन बाहर. इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2xyz? 2yz ax plus 2x z ay plus 2xy az az. वैल्यूज रखिए, x की वैल्यू माइनस वन, v की y की वैल्यू टू और z की वैल्यू माइनस थ्री. माइनस वन टू माइनस थ्री करना है आपको. माइन टू, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू माइनस 3, ax प्लस दिस 2 माइनस 1 माइनस 3 ay प्लस 2 माइनस 1 2 az 2 4 4 3 12 माइनस साइन अगेन बाहर इज माइनस 12 ax. ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 6 ए वाई प्लस 4 वाई ये अगेन है. अभी माइनस है ना 4 ए जेड. अभी पूरा ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी फाइनल इलेक्ट्रिक बिल की वैल्यू जो है
12ax minus 6ay plus 4az. Unit? Volt. वोल्ट तो इसका होता है ना, पोटेंशियल फंक्शन का या पोटेंशियल डिफरेंस का. इट इज वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम. वोल्ट पर मीटर दोनों यूनिट सेम, दोनों लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम. Here, so this is all about divergence. Sorry, gradient. हमेशा scalar function पे निकाला जाता है और result जो होता है वो हमेशा vector होता है. Clear है आपको? जी sir. जी, gradient function समझ में आ गया. अब next function है हमारे पास. नेक्स्ट फंक्शन इज डाइवर्जेंस. यहां से वेक्टर ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से इसको. ग्रेडियंट ऑपरेशन होता था स्केलर पे, ठीक. एक क्वांटिटी स्केलर, एक क्वांटिटी वेक्टर, जब भी मल्टीप्लाई होंगे रिजल्टेंट वेक्टर होगा. तो स्केलर पे एक ही तरह का ऑपरेशन होता है, लेकिन अगर दोनों क्वांटिटी वेक्टर हो जाए तो मल्टीप्लीकेशन स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है. अगर सेम डेल ऑपरेशन किसी वेक्टर क्वांटिटी पे किया जाता है तो रिजल्ट स्केलर भी मिल सकता है, वेक्टर भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन डॉट एंड क्रॉस ना. तो अगर रिजल्ट स्केलर मिलता है तो उस ऑपरेशन को हम डाइवर्जेंस कहते हैं. मतलब ये दोनों प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट हो रहे हैं, ये डेल और जो दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है आपका. सिमिलरली क्रॉस होगा तो उसको हम कर्ल ऑपरेशन कहेंगे. इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पहले मैथमेटिकल देख लीजिए क्या होता है. देखिए, दिस ऑपरेशन इज डन ऑन वेक्टर क्वांटिटी. डाइवर्जेंस केवल वेक्टर क्वांटिटी का ही निकाला जा सकता है, स्केलर का नहीं. This operation is done on vector quantities and the result is always scalar. Result हमेशा scalar मिलता है. देखिए, सपोज समझने के लिए, देयर इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी इज ए. देयरफॉर, अब क्योंकि दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हमको स्केलर मिलना है, इसका मतलब ये डॉट प्रोडक्ट होगा. डाइवर्जेंस ऑफ ए से लिखा जाता है, इट इज एक्चुअली डेल डॉट ए. ये दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसको हम लोग डाइवर्जेंस कहेंगे. एग्जाम्पल के लिए ये एक डाइवर्जेंस का आपको एग्जाम्पल होता तो जहां पर मिलता है. डाइवर्जेंस ऑफ डी, डी समझते हैं आप, नहीं सर. डाइवर्जेंस आगे चल के हम लोग देखेंगे इसको. यहां पे समझाने के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूं. इट इज इलेक्ट्रिक flux density.
यूनिट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर. इसका डाइवर्जेंस होता है रो भी. रो भी इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. यूनिट इज कूलम पर मीटर क्यूब. किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का डाइवर्जेंस उस मीडियम में प्रेजेंट वॉल्यूम चार्ज की डेंसिटी के इक्वल होता है. ये सब आगे चल के हम लोग प्रूव करेंगे. अभी थ्योरेटिकल इस पर फील्ड थ्योरी पे मत समझिए. आप केवल मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करिएगा. डाइवर्जेंस निकालने पे रिजल्ट कैसे आता है ये फॉर्मूला दे करके आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है कि डाइवर्जेंस ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू दैट थिंग. अब उसमें डेटा दे देंगे कि ये वाली वैल्यू इतनी है तो दूसरा रिजल्ट कितना आएगा. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इन अ मीडियम इज गिवन बाय टू एक्स एक्स प्लस टू एक्स वाई ए वाई प्लस थ्री वाई जेड इज ये डी का वैल्यू. What could be the अच्छा ये बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी और मल्टीप्लाई 10 टू द पावर एक्स. ये डी का वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम पर स्क्वायर. नाउ व्हाट कुड बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट पॉइंट पी 1, -1. ट्राई करेंगे आप लोग. ये सर 10^3 माइनस पाई भी आ रहा है. बाकी सब कैंसिल हो जा रहा है क्या? जी सर ये 4 - 3 हो जा रहा है. बाकी लोग का हुआ? जी सर नहीं आ रहा है मेरे. देखो 4 - 5 आ रहा है. चेक कर लेते हैं. बाय डेफिनेशन रो बी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डेल डॉट डी. इट इज डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई ए वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड ए जेड. डी की वैल्यू क्या है? मैं थोड़ी देर की 10^-5 को कॉमन ले रहा हूँ. वैसे भी कॉमन नहीं है. जस्ट 2x ax प्लस 2xy ay प्लस 3yz az.
10 to the power minus 5. अब क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो x वाला x में, y वाला y में, z वाला z, x और ax x खत्म हो जाएगा. इट इज डेल अपॉन डेल x इनटू 2x प्लस डेल अपॉन डेल y 2xy प्लस डेल अपॉन डेल z 3yz. कॉमन क्या 10 टू द पावर माइनस 5. इट इज डेल अपॉन डेल एक्स इज 2, डेल अपॉन डेल वाई 2x प्लस 2x प्लस z खत्म हो गया. इट विल बी 3y 10 टू द पावर माइनस 5. एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 1 2 प्लस 2 और y का वैल्यू माइनस 1 माइनस 3 10 टू द पावर माइनस 5. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम पर मीटर क्यूब. क्लियर? डाइवर्जेंस निकालते कैसे, ये समझ में आ गया? दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन रिलेटेड टू डाइवर्जेंस. इसके अलावा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी. ठीक है, अब मैं मैथमेटिक्स में बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, इसका आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस देखिए समझ में आ जाना चाहिए. वैसे भी सर ये 3y को माइनस क्यों लिया प्लस 3y को? किसको किसको प्लस 3y को? y की वैल्यू, y की वैल्यू माइनस 1 है ना, जो पॉइंट दिया हुआ आपको. हां सर, तो आप 3 इंटू वाई है, 3 इंटू माइनस 1 पुट करेंगे माइनस 3 हो जाएगा. हाँ ठीक है सर. फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस. फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? इसका स्टेटमेंट या ऑब्जेक्टिव में आता है सिग्निफिकेंस का मतलब जो डेफिनेशन है इसका डाइवर्जेंस का, वो तो मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया. इसका मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट लिख लीजिएगा इसको. डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी, सपोज वो वेक्टर क्वांटिटी ए, डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट, किसी पॉइंट पे उस वेक्टर क्वांटिटी का जब डाइवर्जेंस निकालते हैं, रिप्रेजेंट द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ दैट वेक्टर कमिंग आउट फ्रॉम क्लोज्ड सरफेस. कमिंग आउट फ्रॉम अ क्लोज्ड सरफेस पर यूनिट वॉल्यूम. अब इसमें हमें कुछ नहीं कर सकता है, इसका जो डेफिनेशन है उसमें बहुत हाई साउंडिंग वर्ड्स का यूज हुआ है.
इसमें आप कुछ समझ पा रहे हैं क्या? मैं फिर से आप समझाने की कोशिश करूं इसको. अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखा जाएगा तो डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी ए इज ए डॉट डीएस. या पर यूनिट वॉल्यूम लिख लिया है ना, तो आपने इसको फ्लक्स मत लिखिए, फ्लक्स फ्लक्स डेंसिटी मत लिखिए, फ्लक्स लिखिए. ए डॉट डी एस अपॉन डेल्टा वी व्हेन डेल्टा वी टेंड्स टू जीरो. देखिए अब मुझे यहाँ जरूरत है आपसे समझने के लिए आप किस लेवल तक रिलेट कर पाए हैं इस चीज को. मैं फिर से एक्सप्लेन करूं क्या? यस और नो? एक्सप्लेन कर दीजिए सर. यस सर. देखिए यह हाई साउंडिंग वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो डाइवर्जेंस का एक्चुअल डेफिनेशन. ठीक, डाइवर्जेंस एक वेक्टर पे ऑपरेट किया था तो पहले चार पांच वर्ड तक आपको दिक्कत नहीं होगी. डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी ए रिप्रेजेंट द, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब यहां से स्टार्ट होता है फ्लक्स. फ्लक्स होता क्या है? व्हाट इज फ्लक्स? लिटरल मीनिंग क्या है फ्लक्स का? चार्ज पर यूनिट एरिया. व्हाट पर यूनिट एरिया? चार्ज. लुमिनस फ्लक्स आपने सुना है? जी सर. वहां पे चार्ज यूज होता है क्या? जितना तक पता है यूज होता है. लुमिनस फ्लक्स का मतलब क्या हुआ? पता नहीं सर. फ्लक्स ऑफ लाइट. लाइट पे यूज करते हैं ना, वहां पे चार्ज वगैरह थोड़ी है. मैग्नेटिक फ्लक्स सुना है? फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स आई. मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चार्ज कहाँ है? देखिए ऐसा नहीं है कि ये फ्लक्स जो क्वांटिटी हम जो ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं, फ्लक्स जो वर्ड है वो केवल और केवल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज पे इमेजिनरी रे. पानी के मामले में वाटर क्वांटिटी को होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा, वाटर फ्लक्स भी होता है. जब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी किसी एरिया पे अप्लाई होती है ना, तो एरिया पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्लक्स कहलाता है. तो कहते कि इस क्वांटिटी का इतना फ्लक्स उस एरिया से बाहर आ रहा है. जैसे कुछ कुछ क्वांटिटीज हैं जिनका मीनिंग हम लोग गलत समझते हैं. जैसे करंट. ठीक है, थोड़ा सा मैं लिटरेचर में जा रहा हूं. आपका टॉपिक सब्जेक्ट, ये सब चीजें एग्जाम में नहीं आती हैं लेकिन सब्जेक्ट को समझने के लिए जरूरी है. ठीक, इसलिए इसको मैं मिटा भी दूंगा बाद में. करंट से क्या मतलब समझते हैं आप? रेट ऑफ चार्ज. फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं ना जी. अब इस वर्ड को चेंज कर दिया मैंने. अब क्या समझते हैं इससे आप? फ्लो ऑफ वाटर. फ्लो ऑफ वाटर. करंट तो फ्लो ऑफ चार्ज था, वाटर करंट फ्लो ऑफ वाटर कैसे हो गया? बिकॉज़ ये करंट जो है वो ये चार्ज का फ्लो का वजह से हुआ है, तो वाटर करंट भी होगा. जी नहीं, करंट एक वर्ड है जिसका मतलब केवल फ्लो होता है. ठीक, करंट का मतलब होता है डायरेक्शनल फ्लो. आपको कायदे से इलेक्ट्रिक करंट बोलना चाहिए, उसका मतलब फ्लो ऑफ चार्ज जाएगा. वाटर करंट बोलेंगे तो फ्लो ऑफ वाटर हो जाएगा. एयर करंट बोलेंगे तो फ्लो ऑफ एयर, जहां पे जिसका भी फ्लो होता है उसका फ्लो हो जाएगा.
अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, सी यू आर ई एन टी, इसमें कहीं आई आया है क्या? नहीं सर। करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आई से। देखिए थोड़ी देर के लिए अपना माइक ऑन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग ऑन कर लीजिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बातचीत करा रिप्लाई तो करिए ना जल्दी, जितना आप जल्दी रिप्लाई करेंगे उतना कम टाइम लगेगा। करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं जी। आई इस वर्ड में कहीं नहीं है। यस सर। कभी किसी बुक में देखा है किसी और लेटर से दिखाया गया हो करंट को आज तक? नहीं सर। आई के अलावा कोई वर्ड आज तक यूज करते हुए देखा आपने? नो सर। क्या कर, क्या कर सकते हैं क्या आप? कर सकते हैं सर, मेरा ख्याल से। नहीं कर सकते। कर सकते हो तो अलग अलग। हाँ अगर कोई सही में लिटरेचर जानता होगा तो नंबर काट लेगा, जो पेटेंट है। दिस वर्ड इज एक्चुअली नोन एज, एक्चुअल फ्रेंच लिखूंगा मैं तो ऐसा होता है, अब फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन में करूंगा तो आप लोग बहुत देर तक हंसेंगे, इसलिए मैं करूंगा नहीं। इंडियन फ्रेंच के लैंग्वेज में देख लीजिए तो इसको आप इंटेंसाइट बोलते हैं। एम्पियर ने करंट को डिफाइन किया था, एम्पियर फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने फ्रेंच में डिफाइन किया था, दिस फ्रेंच वर्ड वाज इंटेंसाइट। एक बात में सब कुछ इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ तो करंट 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 ऐसा नॉर्मल नाम पढ़ने लगा, सो करंट बोलते। एक्चुअल नेम इज इंटेंसाइट और आप इसको आई से ऐसी डिनोट करते हैं। ठीक, ये सब चीजें गूगल मिल जाएंगी आपको। ठीक वैसा ही फ्लक्स है, फ्लक्स जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही डिफाइन किया जाए, फ्लक्स किसी भी ऐसे वेक्टर के लिए डिफाइन किया जा सकता है जो किसी एरिया से बाहर आ रहा हो या एरिया से अंदर जा रहा हो। ठीक, तो उसका पूरा इफेक्ट जो एरिया से बाहर या अंदर की तरफ आ रहा है उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। तो किसी भी वेक्टर का फ्लक्स हो सकता है। ठीक, थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ, आप लोग मेरी तरफ देखिए। सपोज ये अभी मैंने पेपर लेके रखा है ना, सपोज ये थर्माकोल होता, ठीक है, मेरे पास पेन, इस पेन से मैंने थर्माकोल को पुश किया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फिक्स है, इसी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, लेकिन क्या जरूरी है कि इस पॉइंट पे ही थर्माकोल ब्रेक होगा? वो ऐसा भी ब्रेक हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? यस यस, हो सकता है कि यह थर्माकोल है, इस तरफ से मैंने ऊपर से पकड़ा और नीचे से पुश किया और यह थर्माकोल बीच में से सब ब्रेक हो गया। ठीक, अब यहाँ पे मुझे समझने की कोशिश की, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फिक्स है, इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हुआ है, थर्माकोल ब्रेक हुआ यहां से जहां फोर्स अप्लाई नहीं हुआ था, कैसे? इसका मतलब ये जो फोर्स मैंने अप्लाई किया है एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका इफेक्ट इस पूरे एरिया पे स्प्रेड हुआ है। ठीक, अब दूसरे साइड से अगर हम देखेंगे इस एरिया, इस फोर्स का इफेक्ट इस पूरे एरिया पे जो बाहर की तरफ दिखाया जा सकता है उसको इस फोर्स का फ्लक्स बोला जाएगा। ठीक, उसी तरह से हर वेक्टर क्वांटिटी का फ्लक्स होता है अगर वो किसी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो। जैसे वेलोसिटी हुई, ये पॉइंट फंक्शन है, इनका फ्लक्स नहीं होता, फोर्स फील्ड इन सब का फ्लक्स होता है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी किसी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट या डिफाइन हो सकती है उसका फ्लक्स होता है, एंड दैट इज इफेक्ट कमिंग आउट फ्रॉम दैट गिवन एरिया, टोटल एरिया, उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। ठीक, तो टोटल फ्लक्स ऑन एनी सरफेस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम छोटे वॉल्यूम में देखेंगे ऐसा होता है, एक क्लोज सरफेस लिया, क्लोज सरफेस एक वॉल्यूम इनक्लोज करेगा, उस पर यूनिट वॉल्यूम कितना फ्लक्स उस एरिया से बाहर आ रहा है, इट इज एक्चुअली डाइवर्जेंस। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, अगर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको याद कर लीजिए। ठीक, नहीं तो
ऊपर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे ख्याल से इतना डीप में भी क्वेश्चन नहीं जाता है स्टेट एग्जाम्स में। ठीक, आगे चलते हैं। एक नोट और, इफ डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर इज जीरो, अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस जीरो होता है देन इट इज नोन एज सोलेनोइडल वेक्टर, उसको हम सोलेनोइडल वेक्टर कहते हैं। ठीक, सोलेनोइडल वेक्टर का कोई एग्जांपल बता सकता है, कोई एक वेक्टर जिसका डाइवर्जेंस जीरो होता हो? मैग्नेटिक फील्ड। जी, सच्चा एग्जांपल है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस डेल डॉट बी इज ऑलवेज जीरो। कोई भी क्लोज सरफेस एरिया लेंगे तो जितना मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा उतना बाहर की तरफ जाएगा, नेट फ्लक्स इज जीरो ऑन एन क्लोज सरफेस, ओपन सरफेस में नहीं, इसलिए इंटीग्रल ये क्लोज इंटीग्रल। तो सोलेनोइडल वेक्टर का सबसे अच्छा एग्जांपल है मैग्नेटिक फील्ड, डेल डॉट बी हमेशा जीरो होता है। क्लियर? थर्ड पॉइंट, यस सर, थर्ड ऑपरेशन इज कर्ल ऑपरेशन। पहला केस क्या था? ग्रेडियंट, क्वांटिटी वाज स्केलर, ऑपरेशन वेक्टर था, रिजल्टेड वाज वेक्टर। ठीक, दूसरा आपका क्वांटिटी वेक्टर है, ऑपरेशन के बाद वो स्केलर हो जाता है, कर्ल ऑपरेशन में इसका अपोजिट। या दिस ऑपरेशन इज ऑल्सो डन on vector quantity only, केवल ये vector quantity पे होता है। ठीक, and the resultant is also vector. Resultant is also a vector. ठीक, अब दो वेक्टर क्वांटिटीज का ऑपरेशन के बाद रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, इसका मतलब वो क्रॉस प्रोडक्ट होंगे। तो सपोज देयर इज अ वेक्टर क्वांटिटी is A, then curl of A is given as del cross A. The cross product है, इसलिए अगेन बहुत complicated हो जाता है। Example हम लोग जब field theory पढ़ेंगे तभी देखेंगे। del cross प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो बता सकता है क्या? इस डेल क्रॉस एच कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, तो बताएगा फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन या एम्पियर्स लॉ है ये? जी, करंट डेंसिटी। देखिए, करंट डेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। प्रैक्टिकली आपको इस तरह का एग्जांपल यहां मिलता है, सबसे कॉमन एग्जांपल कर्ल का।
ठीक। इस केस में अभी हम लोग कर्ल का एग्जांपल स्किप कर रहे हैं, आपको आगे चल के देखने को मिलेगा जहाँ लोग फील्ड थ्योरी करेंगे। अभी मैं कराऊंगा तो फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। ठीक, आप केवल डेफिनेशंस नोट कर लीजिए, इसके एग्जांपल हम लोग बाद में देखेंगे, फील्ड में आएगा। नाउ फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? फिजिकल सिग्निफिकेंस आप इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। किसी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल जैसे डेल क्रॉस ए की वैल्यू होती है, इसमें क्लोज सरफेस इंटीग्रल था, यहाँ पे क्लोज लाइन इंटीग्रल है, ए डॉट डीएल अपॉन डेल्टा ए लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो यूनिट वेक्टर ए। डेल क्रॉस ए वेक्टर होगा, वो हमेशा ए के परपेंडिकुलर भी होगा, दोनों क्वांटिटी के परपेंडिकुलर होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कर्ल? कर्ल समझते हैं आप, लिटरल मीनिंग क्या होता है कर्ल का? हम बोलते हैं कर्ली हेयर्स, सेम मीनिंग है। कर्ल का मीनिंग क्या होता है कोई बताएगा? ट्विस्ट एंड टर्न, क्लियर, सही बताया आपने, ट्विस्ट टर्न। एक्चुअल में इसका मीनिंग रोटेशन से है। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है या रोटेट कर रही है, तो पर यूनिट एरिया उसमें कितना रोटेशन हुआ है, इट इज कर्ल ऑफ दैट वेक्टर, यही इसका डेफिनेशन है। कर्ल ऑफ एनी वेक्टर रिप्रेजेंट्स द रोटेशन of that vector per unit area at a given point। Okay, अगर curl की value zero हो जाती, मतलब रोटेशन जीरो है, तो यहाँ पे एक नोट करके लिख लीजिए, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है आपका। इफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज जीरो, इट इज नोन एज इरोटेशनल वेक्टर, उसको आप इरोटेशनल वेक्टर। ठीक, ये थोड़ा दो पॉइंट याद रखिएगा, अगर डाइवर्जेंस जीरो है तो उसको सोलेनोइडल वेक्टर कहा जाता है, और अगर कर्ल जीरो है तो उसको इरोटेशनल वेक्टर कहा जाता है। फिर से लिखता हूं, डाइवर्जेंस अगर जीरो है मतलब सोलेनोइडल वेक्टर हुआ, और कर्ल जीरो है मतलब इरोटेशनल वेक्टर हुआ। दीज आर इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। पेपर जब इजी बनाना होता है या कॉम्प्लेक्सिटी फील्ड थ्योरी की कॉम्प्लिकेशन में घुसना नहीं होता है ना, लोग तो इस तरह के सरफेस वाले क्वेश्चन पूछते हैं, डाइवर्जेंस जीरो हो गया तो वेक्टर कौन सा है, फील्ड कौन सी है। क्लियर है?
तो यहाँ पे हमारा ये रेक्टेंगुलर सिस्टम कंप्लीट होता है जो जो डिफाइन करना। जी बताइए, इसका एग्जांपल क्या होगा सर? कर जो वेक्टर क्वांटिटी का कर जीरो है सर। डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो फॉर स्टैटिक फील्ड्स, मतलब ई अगर कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है तो उसका कर्ल जीरो होता है। अगर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा तो डेल क्रॉस ई माइनस डेल बी बाई डेल टी मिलता है, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में अगर वो कांस्टेंट है तो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में भी कांस्टेंट रहेगा, कर्ल जीरो होगा उसका। तो स्टैटिक फील्ड्स के केस में डेल क्रॉस ई जीरो होता है। ठीक, आगे चले। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को तो पूछ लीजिए। तो ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम था जिसमें हमने वेक्टर वेक्टर इंटीग्रल और डाइवर्जेंस कर्ल और ग्रेडियंट डिफरेंशिएशन सब कुछ देख लिया। अब सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। नेक्स्ट इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहां से थोड़ा सा पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, अभी थोड़ा ऑनलाइन में टिपिकल है। ठीक, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे वहां पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स थे, एक पोलर सिस्टम है, पोलर सिस्टम। पोलर सिस्टम में ही स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल दोनों आते हैं। ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगेन रहेगा ऑर्थोगोनल और राइट हैंडेड भी। इज अ पोलर सिस्टम, अगेन राइट हैंडेड एंड ऑर्थोगोनल, तीनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट, द थ्री कोऑर्डिनेट्स आर, आर या रो भी लिख सकते हैं, आर लिखी ज्यादा अच्छा, आर फाइव जेड। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करने का तरीका समझाने के लिए फिर से मैं जो है आपका इसको ऑफ करता हूँ, सिलेंडर के ये आप शेयर को आप मुझे देखिए। आप इस पेपर को देख पा रहे हैं? जी पेपर विजिबल है ना? यस, थोड़ा सा पेपर अभी मैं दूसरा यूज कर लेता हूँ।
मार्कर से यूज करो। एक सेकंड होल्ड करिएगा बस। तो ये हमारे पास अगर तीन एक्सेस है, एक्स वाई जेड एक्स, तो ये इस वाले प्लेन को जो हमने शेड किया है, इसको आप क्या एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं? थ्री डायमेंशन में अगर कोई पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे P, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक, उसका प्रोजेक्शन इस एक्स वाई प्लेन पे, ये रिकॉर्डिंग वाला थोड़ा सा देख लेकर आप लोग भी, रिकॉर्डिंग आप लोग को लिखनी होती है। सपोज दिस इज प्रोजेक्शन इज पी डैश, अब ये पी डैश है तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो। ओरिजिन से इस पॉइंट पी का प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन, पॉइंट पी का प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन, दिस इज पोजिशन वेक्टर आर, किसका प्रोजेक्शन का पोजिशन वेक्टर है ये, एक्स एक्सिस से जो एंगल है दैट इज फाइव। तो इस एक्स वाई जेड को हम आर फाइव जेड भी लिख सकते हैं, और इसको हम आर कॉमा फाइव लिख सकते हैं। यहां पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वहां पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट सर जी, ये फाइव जो हमेशा एक्स एक्सिस से लेते हैं ना सर, जी हमेशा एक्स एक्सिस से, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज आर, ये होता क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, किसी पॉइंट का एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन निकालिए, वो प्रोजेक्शन का जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से जब उसको ज्वाइन करेंगे तो दैट इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इन सिलिंड्रिकल सिस्टम, उसको आप आर कहते हैं। कहीं कहीं रो से भी लिखा हुआ मिलेगा, मीनिंग सेम है, डिस्टेंस होता है वो। सेकेंड कोऑर्डिनेट इज फाइव, सेकेंड कोऑर्डिनेट फाइव है, इट इज एंगल ऑफ आर, पोजिशन वेक्टर फर्स्ट कोऑर्डिनेट था, फ्रॉम x-axis, x-axis से r के बीच का एंगल। नाउ थर्ड कोऑर्डिनेट इज z, इट इज सेम एज n, रेक्टेंगुलर सिस्टम जैसा पहले रेक्टेंगुलर सिस्टम में था। क्लियर? ठीक, अच्छा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक दूसरे में कन्वर्ट भी किए जा सकते हैं। इस डायग्राम से आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मुझे जाना पड़ेगा इस पे आपका वीडियो पे, मुझे देखिए अगेन इस पे आए।
एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस दिखाई दे रहे हैं जी? हाँ सर जी। थ्री डायमेंशनल स्पेस में यहाँ पे एक पॉइंट था पी, उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे गया पी डैश। ठीक, एक्चुअल पॉइंट मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो स्पेस में है, कुछ ऐसा है यहाँ पे है, उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे पी डैश है। पी डैश से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए, यही आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो, और इधर वाई पे डालेंगे तो ये जीरो कॉमा वाई कॉमा जीरो, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपको, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया आर, एंड दिस इज फाई। तो एक्स को लिख सकते हैं क्या आर कॉस फाई, यस सर। वाई को आर साइन फाई, आर साइन फाई। ठीक, तो अगर आपको सिलेंड्रिकल सिस्टम दिया है तो आप उसको रेक्टेंगुलर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको रेक्टेंगुलर दिया है तो आप उसको सिलेंड्रिकल में कर सकते हैं। आर की वैल्यू लिखी जा सकती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल। जी सर। व्हाट इज फाई? टेन इनवर्स y by x। जी सर। यस सर। ठीक, हम देखिए इसी को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। इंटर कन्वर्जन, आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर टू सिलेंड्रिकल, ठीक, मतलब आपको दिया होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, आपको फाइंड आउट करना होगा आर फाई जेड, जेड तो पहले जो दिया है वही सेम है। आर की वैल्यू क्या हो जाती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड फाई इज टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। सिमिलरली सिलिंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर, मतलब आपको दिया होगा आर फाई जेड और निकालना होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो एक्स इज आर कॉस फाई, वाई इज आर साइन फाई, एंड जेड इज जेड जो पहले था अभी के। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट्स ए बी सी टू कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर टू कॉमा माइनस थ्री कॉमा फोर माइनस टू कॉमा वन कॉमा थ्री। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स of given points।
रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन फॉर अस. पॉइंट से लेते हैं 6, 60 degree, 2 5, -30 degree, 2 4, 240 degree, 2 कन्वर्ट करिए जी. देखिए ये सब एग्जाम में अगर नहीं आता तो मुझे गाली मत दीजिएगा, क्योंकि इसके बिना फील्ड थ्योरी पढ़ना थोड़ा मुश्किल था. ये बेसिक मैथ्स है जिसका जानना जरूरी है. हो सकता है एग्जाम में ना भी आए, लेकिन इसको इसके बिना हम लोग फील्ड थ्योरी के डेरिवेशंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए जरूरी था. कल आपका बेसिक ये मैथ्स वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा. कल टुमारो इज सैटरडे, मंडे से आपका फील्ड स्टार्ट हो जाएगा. फील्ड जो है टोटल 10 डेज का है. फील्ड थ्योरी 10 दिन में आपका ये, उसके बाद 10 या 11 या आप जितना क्वेश्चन लगाएंगे उस पर डिपेंड करता है. 11 या 12 डेज में आपका एएमटी खत्म हो जाएगा. ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है, उसके बाद खाली डेरिवेशन डेरिवेशन. सर सिलेबस में बहुत कम मेंशन भी है आपके. जी कुछ सर, यहाँ में जो एंगल जो ये नेगेटिव में आ रहा है सर, उसका क्या मतलब है? नेगेटिव फिजिकल मीनिंग पूछ रहे हैं? नहीं फिजिकल नहीं, मतलब आई मीन नेगेटिव एंगल माइनस 30 का मतलब पूछ रहे हैं ना आप, माइनस 30 कैसे? हाँ सर. क्वेश्चन नंबर 2 बी ऑप्शन ना. हाँ सर, हाँ सर, उसी को बोल रहे. देखिए फिर से जाते हैं यहाँ पे. अगर x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे प्लस 30, इधर जाएंगे तो माइनस 30 हो जाएगा. एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है, तो इधर आएगा माइनस 30. अच्छा ठीक है. सर ये पूरा सॉल्व करने के जी, ये होमवर्क है आपका. सर ये तो आप घर पे बैठ के आराम से करिए इसको. कल का क्लास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा. अच्छा, कल का क्लास 2 घंटे का होगा. और आप जी बोलिए. सर ये मतलब जो एंगल -56 इसको सर 120 लिख सकते हैं ना सेकंड क्वाड्रेंट में? कितना एंगल आया है? -56.31 x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव. कितना लिखना चाह रहे हैं आप उसको? 123.6 नहीं लिख सकते. इसमें से ना जो प्रॉब्लम आएगी आपको यहाँ पे आएगी, आपके कैलकुलेटर से जो आंसर आएगा वो गलत आएगा. मैं कल बताऊंगा उसको. आप एक बार कोशिश करके देखिए. ये -26 पॉइंट आ रहा है इन दिस केस ना. जी सर. आपने निकाला 10 इनवर्स -3/2, ये आएगा -56 पॉइंट
माइनस 56.31 ये सही है ना जी सर माइनस 56.31 आप इसको केवल एक्स वाई प्लेन पे फाइव डिफाइन होता है दिस इज एक्स दिस इज वाई माइनस 56 इज दिस एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा चलो लेकिन इसके से तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है थर्ड वाला सेकंड क्वाड्रेंट में जी सर अच्छा ऐसे नहीं सर ये 180 माइनस 26 तो सर 150 हो जाएगा हाँ अगेन आपका एंगल कितना है टेन इनवर्स माइनस 1/2 जी सर कितना एंगल आ रहा है ये 26.56 समथिंग 26 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है ना यहाँ पे फाइव की वैल्यू निकालने के लिए वो 26 पॉइंट समथिंग जो भी है वो आप यहाँ सबट्रैक्ट करिए माइनस एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव हाँ फाइव की वैल्यू दर्ज निकलेगी 153.4 जो भी आ रहा है ठीक आप लोग इसको ट्राई करिए कल इसको सॉल्व करूंगा कल की क्लास आपकी थोड़ी बड़ी होगी जी रेक्टेंगुलर भी हो गया इसमें x 3 आ रहा है y 3 आ रहा है इसका g 2 दूसरा तो आसान है पहला वाला तो इजी है आपको रेक्टेंगुलर वाला रेक्टेंगुलर ये तो आसान है ये तो आप कैलकुलेटर में पुट करते जाइए मिल जाएगा अब मैं कल इसका आंसर बता दूंगा ना सबका तो नहीं हुआ होगा ना मैं कल इसका आंसर बता दूंगा आप लोग मैच कर लीजिएगा उसको किसी को प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा लेकिन एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए सब कल का क्लास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी हमने केवल पॉइंट का कन्वर्जन किया है वेक्टर्स का कन्वर्जन थोड़ा टिपिकल होता है टेबल वगैरह होंगी आपको उनको याद करना पड़ेगा ठीक तो आप लोग में से जो कोई भी लाइव नहीं है कल जरूर लाइव रहिएगा ठीक मैथमेटिक्स की या बेसिक्स की कल लास्ट क्लास है तो नेक्स्ट क्लास से या मंडे से हम लोग फील्ड थ्योरी स्टार्ट कर देंगे तो सर कल 2 आवर्स करेंगे तो 7 बजे से स्टार्ट होगा नहीं 7:30 से स्टार्ट होगा 2 आवर्स नहीं जाना चाहिए 1.5 आवर में हो जाएगा अगर कभी ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट लोग ज्यादा डाउट पूछते हैं तो थोड़ा टाइम इंक्रीज होता है उसको मैं मार्जिन मानता हूं क्योंकि कल का टॉपिक थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड ओके ठीक थैंक यू